सीता साहू हैं, एक्ट्रेस हैं, ये लिखती है कि सर जी मैं तो आपकी दीवानी हूँ, कि सर इतने प्यार से डांट रहे हैं कि मन कर रहा है कि बस सुनते ही जाए। किसी को डांटना हमारा मकसद नहीं है सर जी, मैं सोच रहा था कि सट्टा खिलाऊं लेकिन आपको देखकर मन बदल दिया है। अभिषेक सर से मिलने का इतना मन करता है क्या बताएं, क्योंकि इतने क्यूट हैं। आपका ए भाई वाला डायलॉग है ना, हमको बड़ा अच्छा लगता है। अरे भाई, एक अजय कुमार सिंह है जो लिख रहे हैं कि सर जो आपके समझाने से ना समझे जिंदगी में कभी नहीं समझ सकता, को देखकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि दुर्ग में जाकर कोई अपराध करूं। अब मतलब मिलने सब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हाँ, इतने अच्छे IPS को ऐसे कोई दिखाता है। वो अपना काम कर रहे हैं और तुम वीडियो के चक्कर में हो कि जो महिला की जो प्राइवेसी है, उसकी आइडेंटिटी है, उसको छिपा कर रख रहे हैं, क्योंकि महिला नहीं चाहती थी कि मीडिया में इस बात को उछाला जाए। तो इसमें किसी ने और कमेंट किया है कि नहीं सीधा एनकाउंटर होगा। नहीं तो हमारे द्वारा जो पुलिस कर्मी भी एक बार NDPS में दो कॉन्स्टेबल जो है वो गांजा की तस्करी कर रहे थे, तो उनको भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दुर्ग के SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जानता ना हो, न केवल दुर्ग जिले में बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश में। और इन दिनों उनकी पहचान जो है पूरे विश्व भर में है, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से भी लोग जो है डॉक्टर अभिषेक पल्लव को देख रहे हैं उनके अलग अंदाज के कारण। आज हम डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी के साथ एक अलग उद्देश्य के साथ हैं और बिल्कुल आप लोगों से जुड़ा हुआ उद्देश्य है वो। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए कम्युनिकेशन जो है वो टू वे हो जाता है। सोशल मीडिया जो हम ये कहें कि न्यू मीडिया, जो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें कम्युनिकेशन वन साइड होता है कि अखबार ने जो लिखा या TV ने जो दिखाया उसको केवल जो श्रोता हुआ या दर्शक हुआ या पाठक हुआ वो एक बार देख पाता है, लेकिन न्यू मीडिया में देखे गए कमेंट पर रीडर या व्यूअर जो है वो प्रतिक्रिया भी दे सकता है। तो जो प्रतिक्रिया आप लोगों ने दी है उसी के संबंध में हम आज डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे, और ये जो चर्चा जो है बड़ी रोचक होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने बड़े रोचक कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर, तीरंदाज के यूट्यूब चैनल पर किए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब से। अभी सुबह सुबह ही एक कमेंट आया है जो करीब 2-3 घंटे हुए हैं, उसमें एक देहरादून से अंकुर बलूनी जो है लिख रहे हैं कि आज की डेट में आप और बागेश्वर बाबा ही हिट हैं, चलाने नो OTT नो पेमेंट। दोनों अलग अलग फील्ड से हैं, हम पुलिस से हैं, हमारी कोशिश ये है कि अवेयरनेस वीडियोस बनाए जाएं जिससे लोग क्राइम के बारे में अवेयर हों। डेली मुझे मैसेज आते थे कि सामान्य जनों के साथ 50,000, 1,00,000 से लेके 25-30 लाख तक की ठगी हो जाती थी, तो अवेयरनेस वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पहले कभी क्रिमिनल्स का सीधा मीडिया के साथ आमना सामना नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं क्राइम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे बच सकते हैं। निश्चित रूप से हमारा किसी कंपटीशन नहीं है, हमारी कोशिश ये है कि जनता तक जागरूकता हो पाए, जनता जागरूक हो पाए, हमारा यूथ जो है वो क्राइम की तरफ आकर्षित ना होकर वो एक रोजगार की तरफ, एक अपने उनके मॉडल्स, उनके रोल मॉडल्स अच्छे बन पाए, ये हमारी कोशिश है। निश्चित रूप से दोनों का अपना आस्था की अपनी एक जगह है, पुलिसिंग की अपनी एक जगह है। आपका जो पूछने का अंदाज होता है, पूछताछ का अंदाज, वो इतना मतलब फेमिलियर हो जाता है कि अपराधी को ये लगता ही नहीं है कि कोई पुलिस अफसर उससे पूछताछ कर रहा है। उसी को लेकर के एक कमेंट रामानुजन मैथमेटिक्स से है, एक कि सर इतने प्यार से डांट रहे हैं कि मन कर रहा है कि बस सुनते ही जाए। जो ट्रैफिक वायोलेशंस करते हैं वहाँ लगातार, जब मैं दुर्ग में आया था तो 10% से कम लोग हेलमेट लगाते थे, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता था। आज के दिन में ज़्यादातर नियरली 100% लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं, और हेलमेट लगाने वालों की संख्या भी 50% से ऊपर हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुधार है। किसी को डांटना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि व्यक्ति वो समझे, अपने अंदर सुधार लाए। जितने एक्सीडेंट दुर्ग में हुए पिछले साल, 350 लोगों की डेथ हुई, 220 लोग 2-व्हीलर राइडर थे और 220 लोग बिना हेलमेट के थे, लगातार जाने जा रहे हैं। कल भी एक महिला और एक बच्ची जो है उसका डबरा पारा के पास एक्सीडेंट हुआ, गड्ढे में उसकी गाड़ी फ्लिप हो गई, ट्रक से, दोनों हेलमेट नहीं लगाए हुए थे।
जो बच्ची बच गई उसने यदि हेलमेट लगाया होता तो बिल्कुल ही चोट नहीं लगती उसको, लेकिन उसके द्वारा हेलमेट नहीं लगाया गया था तो थोड़ी चोट लगी हो। तो हमारा मकसद ही यही है, किसी को जलील करना, किसी को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। और भाषा में हमेशा सरलता रखता हूँ, अभद्र शब्दों का हमारा प्रयोग नहीं होता है, लोगों को परेशान नहीं करते हैं। और भाषा सरल है इसे जनता देखती है और जनता उसमें सुधार ला रही है। मैं कल स्कूल गया था तो कुछ टीचर्स बोल रही थी, फिर हमारे बच्चे हमारे बोलने से नहीं सुधरते थे, अब आपने जब चेकिंग की तो अब डर से वो डेली हेलमेट पहन के जाते हैं। अब मेरा ही डर सही, कम से कम वो हेलमेट पहन रहे हैं और उनकी जान बच रही है, यही मेरे लिए खुशी की बात है। देखो, ये व्यवहार से रिलेटेड एक है, एक आम धारणा बन गई है कि, मतलब लोगों में है कि पुलिस को लेकर के लोगों की धारणा अच्छी नहीं रहती है कि थाने में जाएंगे तो थानेदार कुछ भी बोल देंगे जो भी है। तो इसी से रिलेटेड एक और कमेंट है कि ये शेखर पाटिल जी हैं, वो लिख रहे हैं कि पुलिस नाम से ही नफरत है परंतु आप जैसा सच्चा और ईमानदार अफसर को हमारा दिल से सलाम। निश्चित रूप से परसेप्शन पुलिस की बहुत ख़राब थी, लोग ट्रैफिक जो पुलिस है जो 50-100 रुपये लेने वाली इमेज पुलिस की थी, कोई थाने में जाएगा तो अभद्र भाषा का प्रयोग होगा, उनका शिकायत नहीं लिखी जाएगी, ऐसी जनमानस में ऐसी एक छवि बनी हुई थी। सोशल मीडिया आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अपनी इमेज को चेंज करने का, क्योंकि पुलिस वाले 24/7 काम करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, स्ट्रेस लेवल्स हाई रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या की केसेज हैं वो पुलिस के अंदर है, लेकिन हम ये वाली बात अपनी रख नहीं पाते। लेकिन निश्चित रूप से जैसा आपने कहा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हम करा रहे हैं कि भाषा अपनी कैसे अच्छी रखनी है, व्यवहार कैसे अच्छा रखना है। मैं खुद अपनी भाषा अच्छा रखता हूँ, मुझे देख के जो नीचे वाले लोग हैं उनको भी लगता है कि एसपी साहब हमसे अच्छी तरह बात कर रहे हैं, तो हमें भी अपने अधीनस्थों से अच्छी तरह बात करना चाहिए। और निश्चित रूप से 21st सेंचुरी पुलिसिंग में 3rd डिग्री मारपीट का, अभद्र भाषा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बिहेवियर चेंज एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे करके होता है, और निश्चित रूप से पुलिस में इसका एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आपके अंदाज से बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक है मुन्ना भैया करके एक हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि सर जी मैं सोच रहा था कि सट्टा खिलाऊं लेकिन आपको देखकर मन बदल दिया है। बिल्कुल, जैसा है कि ऑनलाइन बेटिंग, ऑफलाइन बेटिंग, आदमी की जो गाढ़ी कमाई होती है ये भी एडिक्शन की तरह है, एक चक्रव्यूह में आदमी फंस जाता है, चाह के भी नहीं निकल पाता। जो जीतता है वो और ज़्यादा जीतने की लालच करता है, जो हारता है वो हारे हुए पैसे को रिकवर करने की कोशिश करता है, इसमें वो जमीन जायदाद तक बेच देता है, अपने कर्जे में डूब जाता है, काफ़ी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हमारा देश यूथ का देश है, यहाँ एवरेज एज 28 ईयर्स है, तो हमें यूथ को शॉर्टकट से दूर रहना चाहिए, बेटिंग से दूर रहना चाहिए। और यदि एक व्यक्ति भी यदि वो बेटिंग में नहीं गया या बेटिंग छोड़ दिया तो मेरे लिए सफलता है, और यही हमारा मकसद भी है अवेयरनेस का, कि लोग जो है सही चीज़ को जाने और सही चीज़ की तरफ जो है आकर्षित। जैसे कुछ लोग हैं जो दुर्ग जिले के बाहर के जिलों से, मतलब छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों से, यूपी के जिलों से, राजस्थान से, बहुत सारे ऐसे हैं, दिल्ली से, इवन नेपाल से और पाकिस्तान से भी लोग कमेंट करते हैं कि हम भी ऐसी समस्या में, हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही एक कमेंट जो है और है, ये विपिन कुमार जी लिख रहे हैं, सॉरी लिख रहे हैं कि दिल्ली से, विपिन कुमार जी लिख रहे हैं कि महान कार, क्या दिल्ली में छीनी गई मोबाइल का भी आपके पास आवेदन किया जा सकता है? क्योंकि पुलिसिंग स्टेट सब्जेक्ट है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्रवाई करती है। भारत सरकार ने साइबर पोर्टल बनाया है जिसमें लॉस्ट मोबाइल का साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग की जाती है और वो रिपोर्टिंग का डेली अपडेट मिलता है, वहाँ जाके वो रिपोर्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हैं। क्योंकि जो चोरी होता है तो आसपास के ही चोर होते हैं, तो जनरली ये आसपास ही बिकता है, तो नंबर ऑन भी आसपास होता है, तो उस जिले पुलिस को ज़्यादा फायदा होगा करना। तो सभी लोग हेल्पलाइन नंबर से अपडेट रहें, तुरंत उसकी शिकायत करें, हर राज्य की पुलिस जो है वो कार्य करती है तो वहीं पे अपना करें, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन निश्चित रूप से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसको वहाँ की पुलिस को रिफ़र कर देते हैं उनके से। तो ये जवाब उन सब लोगों के लिए है जो दूसरे राज्यों से या दूसरे ज़िले से हैं, उनको अगर कोई समस्या है तो जैसा कि एसपी साहब ने बताया वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, एक और पाकिस्तान से एक फैन है जो लगातार कमेंट करते, एक नहीं कई लोग हैं, और हमको लगता है कि ये ज़्यादा कमेंट करते हैं, कि इन्होंने लिखा है इमरान कि रियली प्राउड ऑफ दुर्ग पुलिस, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, बिग फैन फॉर योर ऑल कंपनी। ये कंपनी लिख रहे हैं, इसका मतलब इनको नहीं मालूम होगा कि दुर्ग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, क्योंकि
पुराने ही 1860 के पुलिस एक्ट से और रेगुलेशन से चल रहा था, तो वहाँ भी कंसेप्ट एक जैसा ही है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, थानों का। तो वहाँ के लोग, क्योंकि आज़ादी के पहले एक ही राष्ट्र था, तो हमेशा जुड़े रहते हैं। मुझे भी काफ़ी पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के मैसेजेज आते हैं, वहाँ से भी लोगों का प्यार मिलता है, क्योंकि दोनों जगह की समस्याएं एक जैसी हैं और क्राइम एक जैसा ही करीब करीब होता है, अंदाजन होता है। वो पाकिस्तान पुलिस की खामियों के बारे में लिखते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में भी लिखते हैं। हम लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हैं, कोई भी कुछ लिखता है, जो जहाँ पे जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको फॉलो करने में कोई खराबी नहीं है, और वहाँ के दर्शकों से भी काफ़ी प्यार मुझे मिलता है। अच्छा, एक और बड़ा रोचक कमेंट है, ये ऑल योर फेवरेट करके चैनल है, उन्होंने लिखा है कि अभिषेक सर से मिलने का इतना मन करता है, क्या बताएं, क्योंकि इतने क्यूट हैं। अभी एक वेस्ट बंगाल से एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने मेरा बनाया हुआ पोर्ट्रेट फोटोग्राफ जो है मुझे गिफ्ट किया था। जब काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, आने की बात करते हैं, मैं उनको मना करता हूँ, इतनी दूर से आप ना आए। हाँ, काफ़ी लोग जब बात करना चाहते हैं तो फ़ोन से उनसे बात कर लेता हूँ मैं। कुछ लोग वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो अभी बहुत ही ये आना चाहते हैं, जिद करते हैं, तो वीडियो कॉल में बात कर लेता हूँ, क्योंकि इतना दूर आना जाना उनके लिए भी मुसीबत है। लेकिन निश्चित रूप से बहुत जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, उसी कारण एक और ऊर्जा मिलती है कि और मेहनत से काम करूं, जैसे कि जो पुलिस की छवि सुधर पाए और जनता की मदद हो पाए। लेकिन लगातार हर हफ्ते कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आता ही है, मिलता ही है। मैं एसपी रेफिडेंस में जो भी लोग आते हैं सबसे ज़रूर मिलता हूँ, जिससे कि ऑफिस में मिलता हूँ, जिससे कि लोग अपनी प्यार जो है वो का इजहार कर सकें। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इससे ऊर्जा बढ़ती है। अच्छा, इनके कमेंट का किसी ने एक और को सुनील कोटवाल हैं, उन्होंने जवाब भी दिया है, इन्होंने लिखा है कि एटीएम काटो, खुद आएंगे मिलने के लिए। ये भी है कि काफ़ी चोर और ये क्रिमिनल्स, जब उनको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ तो वो बोलते हैं कि सर आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छे कार्यों से मिले, कभी मिलना हो तो बंगले पे आ जाएं, ऑफिस में मिल लें। मैं कभी नहीं चाहता कोई गलत काम करे और उसको मुझे जनता मीडिया के सामने उसके पूछताछ करनी पड़े, मेरे लिए भी दुखदाई रहता है। लेकिन इसका कहना का मतलब ये था कि कोई एटीएम काटेगा तो पुलिस जरूर पकड़ेगी, 100% हमारा डिटेक्शन रेट है, तो निश्चित रूप से गलत काम ना करें और ना निश्चित रूप से पुलिस आपके ऊपर विधिवत कार्रवाई करेगी। अच्छा, आपके कुछ डायलॉग है जो लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कुछ डायलॉग ऐसे है कि सबसे कमजोर दुर्ग के एसपी को ही समझा था, तो लोग एक अतुल कुमार जी हैं लिख रहे हैं कि सर आपका ए भाई वाला डायलॉग है ना, हमको बड़ा अच्छा लगता है। अरे भाई फिर आ गए तुम, अरे भाई। तो क्या है कि आदमी किसी को आत्मीयता के साथ बात करता है तो उसे दिल से दिल का लगाव होता है। मेरे पास जितने क्रिमिनल्स हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए है, सभी ने माना है कि उसने गलती की, सभी काफ़ी लोग रोए तक हैं, अपने दिल की बात रखी है, उनका दिल हल्का हुआ है। कहीं ना कहीं पहले पुलिस में ये छवि थी कि हम किसी के साथ मारपीट जब तक नहीं करेंगे उससे हम उसका गुनाह उगलवा नहीं सकते, लेकिन थर्ड डिग्री करने से आप एक चेन ऑफ एविडेंस तैयार नहीं कर पाते हो, आपको पूरा सही चीज़ वो नहीं बताता। लेकिन जब आप प्यार से पूछताछ करते हो तो पूरी कहानी बताता है आपको, पूरी चेन जो है एविडेंस का वो जमा होता है, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तैयार होता है, उसने क्यों किया, कैसे किया और कैसे आगे बचा जा सकता है, इसके बारे में सबको पता चलता है। तो निश्चित रूप से आत्मीयता से एक क्रिमिनल को भी एक डिग्निफाइड लाइफ की जो है उसको एक राइट है, उसको हम उसको प्यार से बात करें, जो उसने गलती की है उसके तो माननीय न्यायालय उसको सजा देगा ही देगा। एक सचिन कुमार हैं जो लिख रहे हैं कि सर जी मेरी भी स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई है, मेले में गया था, बाहर गाड़ी खड़ी करके एक घंटे बाद वापस आए तो गाड़ी नहीं थी। सर जी प्लीज मिले तो पता देना, बहुत ही मेहनत से खरीदी थी। आप चोरों को पकड़ लेते हैं सो इसलिए आपसे बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस में रहते हैं हम लेकिन दिल्ली पुलिस काम नहीं करती है। ये सभी लोगों को जब कोई सामान चोरी होती है तो आदमी बहुत दुविधा में होता है, आदमी को लगता है तुरंत मुझे मिल जाए, हर जगह की पुलिस उसको ढूंढने में लगी रहती है। सबकी कोशिश यही रहती है कि जैसे हर डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज ठीक हो जाए, वैसे हर पुलिस वाला चाहता है कि उसके थाने में जो भी क्राइम हुआ है उसका डिटेक्शन हो जाए, तो एक अच्छा लगता है। कुछ दिल्ली पुलिस निश्चित रूप से ढूंढ रही होगी, आदमी को सब्र रखना चाहिए। किसी भी चोरी का पहला चीज़ है कि आदमी प्रिवेंट करे उस चोरी को, आदमी जो है खुद सोचे कि यदि वो चोर होगा तो कैसे चोरी करेगा। यदि हम
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है। एक बार कोई क्राइम हो जाए तो डिटेक्शन में हमेशा समय लगता है, उनको सब्र रखना चाहिए, दिल्ली पुलिस उनको जरूर मदद करेगी। अच्छा, एक और बड़ा रोचक कमेंट आया, सीता साहू हैं, एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ये लिखी है कि सर जी मैं तो आपकी दीवानी हूँ, आप इतना प्यार से पूछताछ करते हैं। निश्चित रूप से जो फैंस हैं वो हमेशा मुझे मैसेज व्हाट्सएप भी करते रहते हैं, उनका प्यार है। मैं सभी जो भी मुझे फॉलो करते हैं उनसे मैं इतना ही कहूँगा, नशे से दूर रहें, अपराध से दूर रहें, शॉर्टकट से दूर रहें, कोई भी आसपास आपको गलत होता हुआ दिखे तो वहाँ पे पुलिस को और बाकी एजेंसीज को जरूर इन्फॉर्म करें। हर व्यक्ति जिस दिन सजग होगा उस दिन हमारा इलाका, हमारा समाज सभी सुरक्षित रहे। अच्छा, ये कमेंट पढ़ के भाभी जी की क्या प्रतिक्रिया होगी? अब यशा भी वाइफ है मेरी, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन की डॉक्टर है, वो भी बीच में पढ़ती रहती है कमेंट। तो लेकिन निश्चित रूप से जब भी आप पब्लिक सर्विस में रहते हैं, पब्लिक के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो हमें पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी रिसेप्टिव होना चाहिए और क्रिटिसिज्म के लिए भी रिसेप्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप जितना पॉपुलर बनते हैं उतना ही ज़्यादा आप ट्रॉल्स के लिए रिसेप्टिव भी हो जाते हैं। जब गलतियाँ होंगी तो लोग कमी भी निकालेंगे। अभी अच्छा समय चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, लोग का प्यार मिल रहा है, निश्चित रूप से जनता का प्यार इसी तरह मिलता रहे, यही भगवान से मेरी अपेक्षा, भगवान से मेरी प्रार्थना है। एक अजय कुमार सिंह है जो लिख रहे हैं कि सर जो आपके समझाने से ना समझे जिंदगी में कभी नहीं समझ सकता और ना ही सुधर सकता है। निश्चित, अब क्योंकि मैं एक साइकेट्रिस्ट भी रहा हूँ, काउंसलर भी रहा हूँ, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि क्रिमिनल को भी काउंसलिंग करूँ, उसके परिवार वालों को भी काउंसलिंग करूँ। आदमी जब उधर जाए तभी, जब जागे तभी सवेरा है। कभी हर आदमी, मेरी कोशिश रहती है क्रिमिनल को समझाया जाए, जो एक बार जेल जाए वो दोबारा जेल ना जाए। पहले एक बार चोरी करता था, निकलता था, फिर चोरी करता था। दोबारा जेल जाने वालों की संख्या में 90% से ज़्यादा कमी आई है, जो अपने आप में खुशी की बात है, लेकिन सुधरने का हमेशा मौका है। जो एक बार नहीं सुनता दोबारा पकड़ाता है, दोबारा काउंसलिंग करता हूँ। कभी आस नहीं छोड़नी चाहिए, आदमी सुधरता ही सुधरता है। क्योंकि सब जो दर्शक हैं वो जान चुके हैं कि आप मनोचिकित्सक भी हैं, तो एक अजय यादव जी हैं वो लिख रहे हैं कि सर नशे में दूसरे का घर ही याद क्यों आता है, अपना घर क्यों नहीं है? अब क्या है कि नशा करने वाला सबसे ज्यादा घर वाले होते हैं। वो हम समझ नहीं पाते, जो नशा करता है उसको तेज गुस्सा आता है, वो घर वालों के साथ पिटाई करता है, अपना घर गिरवी रख देता है, घर बेच देता है, और जब घर पूरा बर्बाद हो जाता है तो उसकी निगाहें बाहर पड़ती हैं, तो वो आसपास जाके चोरी करता है, आसपास अलग तरह के अपराध करता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब नशा करता है तो हम उनको समझाएं, समाज में उसको ग्लैमराइज ना करें। यदि हम स्मोकिंग करते हुए फ़ोटो इंस्टाग्राम पे प्राउडली लगाएंगे, यदि हम पीते हुए फ़ोटो प्राउडली इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, 100 आदमी उसको शेयर करेंगे, उसको लाइक करेंगे, तो कहीं ना कहीं बाकी नए युवक भी उसकी तरफ जो है उसका रुझान बढ़ेगा। तो हम सबको चाहिए कि हम जो समाज की कुरीतियाँ हैं उसका विरोध करें और उसकी जो है उसको क्रिटिसाइज करें जब भी हमें कोई भी फोरम पे मौका मिले। अच्छा, एक है गुप्ता जी के ज्ञान, ये लिख रहे हैं कि सर को देखकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि दुर्ग में जाकर कोई अपराध करूं। अब मतलब मिलने के लिए लोग जो है नहीं नहीं, मैं सभी लोगों कहता हूँ जिनको भी मेरे से मिलना हो मेरे SP रेसिडेंस में, SP ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर 7898815399 पब्लिक किया हुआ है, मैं यही नंबर सबको दे देता हूँ, सीनियर अधिकारियों के पास, जनता के पास यही नंबर है, ये नंबर सबका मैं उठाता हूँ। किसी को बात करनी है मेरे से बात कर लें, लेकिन कृपया मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई अपराध करके मेरे सामने आए। ये बहुत ही दुखी मन से मैं किसी को पूछताछ करता हूँ। और सभी लोग अच्छा काम करें, जिंदगी में कुछ अच्छा करें, और आसपास मुझे व्हाट्सएप कॉल करें, बातचीत करें, और मेरी शुभकामनाएं सभी उन लोगों के लिए है जो मेहनत करके जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल कर पा रहे हैं। इसी कमेंट से मिलता जुलता एक और कमेंट है, राजवार 1234 करके है, इन्होंने लिखा है कि शुक्र है अब तक किसी अपराधी ने ये नहीं कहा कि सर की प्यारी डांट और मिलने के लिए चोरी की। अब कुछ लोग आए वो बोले कि सर आपसे मिलने की आस थी, जो वो क्रिमिनल भी थे, मैंने उनको यही समझाया कि आप कुछ अच्छा करो फिर मिलो तो मुझे बहुत अच्छा प्रतीत होगा। कुछ लोग मुझे, जब मैं ट्रैफिक वायलेशन रोड पे चेकिंग करता हूँ, देखता हूँ बिना हेलमेट वाले हैं, वो तुरंत सेल्फी लेने के लिए आते हैं, फिर आपसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी। मैंने कहा अच्छे तरीके से आना, अगली बार हेलमेट पहन के आना और फिर मेरे से मिलना। जो भी लोग नियम को फॉलो करेंगे, कानून को प्यार करेंगे, कानून को फॉलो करते हैं, उनसे मिलने में एक अलग खुशी रहती है। और जब कोई कानून का उल्लंघन करके मिलता है तो कहीं ना कहीं खुद भी मन दुखित रहता है
और दुखी मन से फिर उनसे बातचीत करनी पड़ती है। एक और है, ये मीना लाइफ डेली करके ब्लॉग है इनका, इन्होंने एक अपनी समस्या लिखी है जो कि बड़ी अलग तरह की है। ये लिख रही हैं कि रिस्पेक्टेड सर जी, मैं सारंगढ़ जिला से हूँ सर। मेरे पति अभी हाल ही में उम्र कैद की सजा हो गई है। मैं उनसे लव मैरिज किया था और मेरा एक बेटा भी है। मेरे पति के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं, मैं अकेली औरत क्या करूं सर, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। निश्चित रूप से यही परिवार के, जब हम क्राइम करते हैं तो हम नहीं समझते कि हमारी जिंदगी नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों पे क्या असर पड़ रहा है। हमें जेल में रहना पड़ता है, परिवार से अलग रहना पड़ता है, परिवार का एक एम्प्लॉयमेंट का साधन चला जाता है, आमदनी का साधन चला जाता है, परिवार को बहुत ज़्यादा सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक हानि का, बच्चों के ऊपर क्या बीतता है, जब लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीख है बाकी उन सब क्रिमिनल्स के लिए कि जब भी वो क्राइम की सोचें वो अपना सोचें और अपने परिवार के बारे में सोचें। क्योंकि क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कभी ना कभी कानून के हत्थे चढ़ता ही चढ़ता है और उसको उसके की गई की सजा भुगतनी ही पड़ती है। निश्चित रूप से जेल में यदि उनका व्यवहार अच्छा रहेगा तो रेमिशन का जो है प्रोविजन रहता है, कुछ सालों के बाद हो सकता है उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए जेल से वो छूट जाएं, या ये अपील भी कर सकते हैं उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, अरे सेशन कोर्ट पे, क्योंकि अरे उम्र कैद भी या सेशन कोर्ट से मिला होगा तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ अपनी बात रख सकते हैं, न्याय की गुहार लगा सकते हैं, माननीय न्यायालय को जो भी आदेश देगी उसका पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक ये कमेंट है जो इसमें तीरंदाज को खूब रेला गया हमारे थंबनेल बनाने पर, और ये जो है आपका और डीएसपी शिल्पा साहू, आप लोगों ने जो अभिनय किया था अवेयरनेस के लिए, तो उसके लिए हेडिंग बनाई थी कि एसपी अभिषेक पल्लव ने डीएसपी शिल्पा साहू को लगाया चूना, आप भी रहे सावधान, कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर के लोगों ने तीरंदाज को कायदे से, इसमें से एक है ये स्वाति जी, ये लिखती है, हद है यार, ऐसे थंबनेल क्यों डालते हो, किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए। एक ये सिद्धार्थ जी हैं, ये लिख रहे हैं कि क्या बकवास थंबनेल बनाते हो, तुमको थोड़ा भी समझ नहीं क्या, जाओगे जेल, सब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हाँ, इतने अच्छे आईपीएस को ऐसे कोई दिखाता है वो अपना काम कर रहे हैं और तुम वीडियो के चक्कर में हो। हाँ, निश्चित रूप से आप देख सकते जनता को के प्रति जो है एक प्यार है, जनता का एक इमेज बन जाती है एक अधिकारी की। लेकिन निश्चित रूप से आपका भी थंबनेल बनाने का कहना यही था कि वो आई कैचिंग हो, तो जनता उसको देखे, और जितना जनता उसको देखेगी उतना फायदा है। यदि हमारे वीडियो को देखने से 100 लोग भी ठगी के शिकार से बच सकते हैं तो 100 परिवार को इसका बेनिफिट मिल सकता है। सब वो मेरा वीडियो बनाने का मंशा, आपका डालने का मंशा भी यही है कि जनता तक ये ज्यादा से ज्यादा पहुँच पाए, लोग उसको देख सके और लोग जो है ठगी से बच सके। इसी तरह का एक कमेंट ये सुरेश भाई पारिक ने भी किया है कि तुम तीरंदाज वाले ही फ्रॉड हो, क्योंकि तुम लोगों ने खोटा टाइटल देकर समाज को भ्रमित किया करके वीडियो दिखाने मजबूर किया है। तुम समझो कि टाइटल का गलत इस्तेमाल करके इनडायरेक्टली बदनाम किया है। हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने श्री अभिषेक पल्लव जी बदनाम करने तुम लोगों को केक किया जाए, केस किया जाए। वंदे मातरम जय। तो इसमें किसी ने और कमेंट किया है कि नहीं सीधा एनकाउंटर होगा। निश्चित रूप से जनता को बहुत प्यार है, वही दर्शा रहा है, और जैसा मैंने कहा कि ये त्वरित उनका रिएक्शन रहता है, जब वो वीडियो पूरा देखते हैं तो उनको भी समझ में आता है कि अवेयरनेस फैल रही है। लेकिन निश्चित रूप से जनता का प्यार है। कुछ लोगों ने लिखा भी उसमें कि नहीं भाई अवेयरनेस का वीडियो है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन लोगों का वो, आप ये देखिए कि आपसे जुड़ाव कितना है, वो आपके बारे में कुछ गलत नहीं देखना सुनना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रगति मुकुल हैं, वो लिख रही हैं कि कप्तान साहब के आगे कपिल शर्मा फेल है, पूछने का चुटकुला होना चाहिए था, चुटकुला अंदाज हंसा हंसा कर लूटपूट कर देते। निश्चित रूप से कपिल शर्मा जी जो है बहुत ही फेमस एक्टर है, वो कॉमेडी भी काफी अच्छा करते। हमारा काम क्राइम को सामने लाना है, क्राइम क्योंकि यदि हम थोड़ी सी कॉमेडी बीच में रहती है तो लोग को सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, लोग जीवन में उसको आचरण करना पसंद करते हैं। केवल यदि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बताते जाए पीसी टाइप में तो लोग क्या है उससे जुड़ नहीं पाते हैं। आज के टाइम में यूथ को जोड़ने के लिए उन्हीं की भाषा में आना जरूरी है। तो निश्चित रूप से क्राइम कॉमेडी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बोलना चाहिए कि जनता की भाषा में ही क्राइम को विस्तारण, जिससे कि लोग समझ पाएँ।
यदि हम बहुत टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जनता तक वो बात समझ नहीं पाएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि जनता की भाषा में, जनता के अंदाज में जनता तक चीजों को पहुंचाया जाए। एक कमेंट है, उसके नीचे का हम पहले कमेंट पढ़ देते हैं जो उससे रिलेटेड है, वही थंबनेल से रिलेटेड है। इसमें ये द राडार रडार करके हैं, ये लिख रहे हैं कि थोड़ा ठीक थंबनेल बनाओ भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने होना चाहते शामिल होना चाहते हो क्या? कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने। निश्चित रूप से अब सभी मीडिया बंधुओं को वहाँ पर रिगार्ड्स है, उन्होंने जो पुलिस की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाने में इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, प्रेस मीडिया हो, यूट्यूब चैनल हो, पोर्टल्स हो, सभी का बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है कि अपनी बात हम जनता तक पहुँचा पा रहे हैं। सीबी चौहान जी हैं, वो लिख रही हैं, सर प्लीज़ हेल्प मी, सर मेरे हस्बैंड भी ऑनलाइन गेम रमी वेल्थ में फंस कर लाखों रुपये फंसा चुके हैं, सर रुपये कैसे वापस लाएँ? बहुत ज़रूरी है कि इनको समझना चाहिए कि दो तरह के गेम्स हैं, एक है ऑनलाइन लीगल गेम्स जैसे रमी है, ड्रीम इलेवन है, जो GST देते हैं, जो कि गेम ऑफ स्किल है। यदि आप गेम ऑफ स्किल में लगा रहे हैं तो वो लीगल प्रोसेस है। यदि आप पैसे, आपको पता है कि आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, तो यदि ऐसे गेम्स में आप प्रोफेशनली बहुत ही अच्छा नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो कृपया ना खेलें। नए न्यू कमर्स को बहुत पैसा नहीं लगाना चाहिए। जो इलीगल गेम्स हैं काफ़ी सारे हैं, जो महादेव ऐपिंग बेटिंग ऐप जैसे जो लोग हैं जो GST नहीं देते, जो कि गेम ऑफ चांस वाले हैं, ऐसे गेम्स इलीगल हैं। ऐसे गेम्स यदि कोई खेलता है तो आप सूचना पुलिस को दें, उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में तो नया एक्ट भी आया है जिसमें कि नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया है। यदि आपके पति ऑनलाइन गेम्स में काफ़ी ज़्यादा उनको एडिक्शन हो गया है तो आप किसी डॉक्टर को भी दिखाएं, मनोचिकित्सक को, जो उनको एडिक्शन से दूर ले जा सके। आप उनको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कराएं, बाहर कहीं घूमने के लिए जाएं, प्रकृति में जाएं। होता क्या है, हम पूरे टाइम गैजेट्स के साथ चिपके रहते हैं तो ये सब आदतें, आप पूरे टाइम मोबाइल पे आप IPL देख रहे हैं, पूरे टाइम उन्हीं का ऐड आता रहता है तो कहीं ना कहीं दिमाग पे उसका असर पड़ता है। बहुत ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन चीज़ें छोड़ के ऑफलाइन जाएं। आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं, गार्डनिंग करें, रनिंग करें, म्यूजिक में इंटरेस्ट डेवलप करें, मेडिटेशन करें, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ाएं। कहीं ना कहीं हमें अल्टरनेट रिक्रिएशनल हैबिट्स डेवलप करने पड़ेंगे, तभी हम ये ऑनलाइन एडिक्शन से दूर जा पाएंगे। जो दो चार कमेंट और बचे हैं, एक सविता नागवंशी जी है, चूंकि आपने नंबर बता ही दिया है, इन्होंने लिखा था आपका नंबर मिल सकता है क्या सर जी? मैं सविता नागवंशी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। बिल्कुल, मेरा नंबर 7898815399 पब्लिक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। जब भी आपको कोई तकलीफ हो, कोई गाइडेंस की आवश्यकता हो, निश्चित मुझे फ़ोन करें, मदद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक ये लास्ट कमेंट है, इम्तियाज खान है, लिख रहे हैं कि यूपी पुलिस वाले की लाइव कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई, उस पुलिस वाले की लाइव कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई जिसने उस लड़की से रेप किया। बिल्कुल, क्योंकि ये महिला थी, ये 4 महीने पहले किसी काम से पुलिस अधिकारी थाने में एक 420 की शिकायत में गई थी, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। उसके बाद ये बयान लेने के लिए उनके पास गए, दोनों के बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप बना, क्योंकि जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने शायद झूठ बोला उस लड़की को कि मेरी पत्नी की देहांत हो रखा है, और फिर उसको झांसा में देके उसके साथ दुष्कर्म किया। और उसके बाद फिर जैसे ही उसने पुलिस को आके सूचना दी, पुलिस द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर 376 IPC के तहत कार्रवाई हुई और 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया। क्योंकि महिला जो पीड़ित है, पीड़ित बलात्कार के केसेस में और बच्चों के केसेज में माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस हैं, बाकी एक्ट में भी है कि जो महिला की जो प्राइवेसी है, उसकी आइडेंटिटी है, उसको छिपा कर रखना, क्योंकि महिला नहीं चाहती थी कि मीडिया में इस बात को उछाला जाए, तो उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सीधा उस पर न्यायिक कार्रवाई की गई। हमारी कोशिश है कि हम उन चीज़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें करने से जनता में जागरूकता बढ़ती है। इस तरह के भ्रामक, इस तरह के अपराध में जो भी किसी महिला के साथ झांसा देके या एक बलात्कार करता है, उसके लिए कानून बहुत ही स्पष्ट है। ऐसे लोगों पे गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाती है और हमें खुशी है कि 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेज दिया गया। महिला का 164 का मजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट भी कराया गया, महिला की प्राइवेसी को देखते हुए इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराया गया। नहीं तो हमारे द्वारा जो पुलिसकर्मी भी एक बार NDPS में 2 कांस्टेबल जो है वो गांजा की तस्करी कर रहे थे, तो उनको भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जहाँ भी जनता को फायदा हो, जन फायदा हो, वहाँ पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो संवेदनशील मामला हो उसमें, जिसमें कि महिला की डिग्निटी, महिला की ये जो है वो अफेक्ट हो सकती है,
महिला काफ़ी पीड़ित थी, काफ़ी व्याकुल थी, काफ़ी उस टाइम इमोशनल थी। उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उचित नहीं हुआ, और क्योंकि त्वरित कार्रवाई करनी थी, जैसे ही हमने पकड़ा वैसे ही माननीय न्यायालय में उसको पेश कर दिया, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना संभव भी नहीं हुआ। और हमारे यहाँ भी प्रदीप मिश्रा जी जो वाचक हैं, उनके यहाँ 7 लाख की भीड़, काफ़ी भीड़ आ रही है वहाँ पे, वहाँ भी पुलिस की व्यवस्था लगी हुई है, तो उसके कारण काफ़ी मीडिया बंधु उधर भी गए हुए, इस कारण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया। तो देखिए, आप जैसे कि आपने देखा कि एसपी साहब ने आपके सवालों का बड़ी ही बेबाकी से और बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही रोचक कमेंट और सुझाव करते रहेंगे, और एसपी साहब से भी हम उम्मीद करेंगे कि वो इन कमेंट्स का वो आगे भी जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद, नमस्कार। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।